आज की वीडियो है पाशा फैब्रिक पर। आज मैंने मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप जेंट्स की कलेक्शन भी मंगवाए, तो मैंने जेंट्स में मंगवाया पाशा कलेक्शन। तो पाशा का एक सूट मैंने ये शिलिंग कर दिया था, ये देखिए एक घंटा हो गया मुझे शिलिंग किया। यहाँ से मैंने रंग एडिट कर लिया, ये देखिए इसकी पे आ चुका है। और ये है पाशा का जो मैंने शिलिंग किया था, ये वही वाला ड्रेस है। सिलने के बाद इसकी लुक देखिए बहुत अच्छा है। ये इसकी पैकिंग है, ये अंदर इसका गत्ता आता है। देखिए ओरिजिनल पाशा है, इसमें हर चीज़ स्टैम्प वगैरह लगी हुई आई थी, ये सब मैंने रखा था कि सिल जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। ये सूट सिल गया है, ये 8 सूट मंगवाए थे मैंने। कलर्स अलग अलग हैं, वो वीडियो में ऐसे लग रहे हैं कि तकरीबन सेम है पर डिफरेंट है। आपको वीडियो में, अब वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एक मैं खोल के भी दिखाऊंगी आपको कि अंदर से इसका फैब्रिक कैसा है। ये वाला पीस मैं खोलती हूँ, ये देखिए इसमें बारकोड भी लगा हुआ है। ये इसका कार्ड आ गया पाशा फैब्रिक का, ठीक है। इसकी प्राइस बहुत ही मुनासिब है, होलसेल रेट में मैं सिर्फ 900 का दे रही हूँ, ओनली 900 का। पाशा फैब्रिक है, वॉशिंग वेयर है, शिलिंग भी करी है मैंने। अब मैं इंशाल्लाह सिलवाऊंगी तो आपको पिक मैं यहाँ पर यूट्यूब में डाल दूँगी। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि मेरी नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ये इसके बैक साइड है, ये पाशा फैब्रिक है। ये बैग भी देख लें, बैग भी बहुत अच्छा है, ओरिजिनल ब्रांड है, बारकोड लगा हुआ है और प्राइस ही मुनासिब है, 900 ओनली।